नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी मुबारक शो के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। यह एक भारतीय ड्रामा शो था जिसे शशि सुमित प्रोडक्शंस ने बनाया था। इस शो के कुल 206 एपिसोड्स को स्टार प्लस चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। इस शो का पहला एपिसोड 24 अगस्त 2020 को आया था और आखिरी एपिसोड 20 अप्रैल 2021 को आया था। इस शो की कहानी की बात करें तो इस शो की कहानी की शुरुआत प्रीति से होती है, जो बिल्कुल सिंपल और एक केयरिंग औरत होती है। प्रीति को उसका बेटा तरुण और उसकी बहू घर से निकाल देते हैं। तभी से प्रीति अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए एक वेडिंग प्लानर बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ केटी, जो दिखने में बहुत हैप्पी से इंसान लगते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे घाव छुपाए होते हैं। केटी प्रीति को बिजनेस में पार्टनर बनने का ऑफर देता है। प्रीति की आनाकानी के बाद दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन प्रीति की मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ जाती हैं। उसके बाद शो में एंट्री होती है केटी की एक्स वाइफ की, जिससे रिवेंज लेने के लिए केटी प्रीति से शादी कर लेता है और शादी के कुछ समय बाद प्रीति को भी केटी से प्यार हो जाता है। और ऐसे ही केटी और प्रीति की लाइफ पर बेस्ड इस शो की कहानी चलती रहती है। इस शो की कास्ट की बात करें तो इस शो में मानव गोयल ने कीर्तन यानी कि केटी का रोल किया है, राजेश्वरी सचदेव ने कुसुम कोठारी का और पहले राजश्री ठाकुर ने, बाद में रति पांडे ने प्रीति का रोल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। इस शो के बंद होने का कारण कोरोना वायरस था। कोविड-19 के कारण शो की शूटिंग बार बार रोकी जा रही थी और शो की काफ़ी सारी कास्ट बार बार कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसकी वजह से इस शो को बीच में ही बंद कर दिया गया था। अगर आप इस शो के सभी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो स्टार नेटवर्क के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इस शो के सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये शो देखा है? प्लीज़ कमेंट जरूर करें और टीवी शोज पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।